उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और तमाम सारी पार्टियां मैदान में आ रही हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी अब ग्राउंड में आ चुकी है और जनता के बीच में आए हुए हैं। और जन आशीर्वाद रैली बीजेपी ने निकाला, वैसे ही कांग्रेस ने भी रैली निकाला, वैसे ही आप लोग भी निकाल रहे हैं। आज भगवती सिंह जी का जन्मदिन के अवसर पर आप लोग ने भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या लगता है आपको कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच में पैठ बना पा रही है अपनी? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और देश में लौह पुरुष माने जाने वाले आदरणीय शिवपाल यादव जी, जो बाबूजी के माननीय भगवती सिंह जी के अनन्य अनुयायी रहे, उनके साथी रहे, उन्होंने आज बाबूजी के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। और हम लोग इस बक्सीताल के ऐतिहासिक स्थान पर यह कहना चाहते हैं कि जो बाबूजी के विकास के कार्य थे, बाबूजी के द्वारा जो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, बाबूजी के द्वारा जो चंद्रिका देवी मंदिर पर काम किया गया, बाबूजी के द्वारा जो यहाँ पर नौकरियाँ दी गई हैं, माननीय शिवपाल यादव जी उनके किए गए कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ अजय त्रिपाठी मुन्ना जी थे, जो कि प्रदेश सचिव के तौर पर हैं और प्रदेश महासचिव के तौर पर हैं, और हमारे साथ हैं, आप जरा अपना परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत यादव, दिलाजत, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लखनऊ। आप क्या बक्सीतला विधानसभा क्षेत्र से भी आप उम्मीदवार माने जा रहे हैं? जी। तो क्या लगता है ग्राउंड पे आप बक्सी तालाब में भी कंपटीटर हैं, कांग्रेस भी है मैदान में, कहीं ना कहीं ललन कुमार उतरे हुए हैं, क्या लगता है? बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण को लेकर के भी अपनी जो रणनीति है साधनी शुरू कर दी, क्या लगता है आपको कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पैठ जमा पाएगी? जिस तरह से सारी पार्टियाँ अपना अपना प्रत्याशी उतारा है, उसी तरह से हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से लगभग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाएंगे। और जिस तरह से और पार्टियां मुद्दे लेके जिस तरह से आज हमारी विरोधी भाजपा पार्टी लोगों के साथ जिस तरह को गुमराह कर रही, जुमलेबाजी कर रही है, उस जुमलेबाजी को ख़त्म करने के लिए, उस जुमलेबाजी को आज जनता जान चुकी है इसे, और उसी के लिए आज हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को हम बीकेटी नहीं, पूरी प्रदेश की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ देख रही है कि जब माननीय शिवपाल जी प्रदेश की सरकार में आएंगे तो गरीब, बेरोजगार, शिक्षा और सभी प्रकार की मांगे पूरी होंगी और वो सारे कार्य करेंगे। बक्सी तालाब बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो मेहनत कर रहे हैं आप, जा रहे हैं लोगों? हाँ, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, उसको आप अभी देखा भी होंगे कि ये हमारे माननीय बाबू भगवती सिंह की जन्म जयंती थी, जिसपे बिना बुलाए के केवल लोगों से कहा गया कि बाबू भगवती सिंह जी की जयंती है, आप लोग सुबह आना। अगर रैली होती या आंदोलन किया गया होता तो जितनी जनता थी इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा जनता वहां पर इकट्ठा थी। जनता की आपने बात की, जनता को लेकर के भी अब शो ऑफ करने की बात आ रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी यहाँ पर रैली निकाली थी, कहीं ना कहीं देखने की बात ये भी थी कि हाँ, उस समय जिसको कि लाइमलाइट में नहीं देखा जा रहा था, पर बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी जनता देखी गई थी। आज निकाला भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भी बड़ा हुजूम रहा, पूरा दूर तक पूरा एकदम रैली निकाली गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसमें आ रही है मैदान में, टक्कर में? बिल्कुल आ रही है। आपकी तरफ से लोग आए थे ज़्यादा? बिल्कुल आए थे, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से बहुत सारी जनता आई थी। और जब हम लोग आज तक जितने भी कार्यक्रम किए थे जनता के लिए, जो भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता रहे, जितने भी प्रदर्शन किए गए, उसमें आज तक के इतनी भयानक भीड़ और इससे ज़्यादा कभी जनता किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं हुई। कहीं ऐसा सपा का कुछ यहाँ पर कुछ वैसा तो नहीं, मतलब आप लोग का कुछ प्रभाव पड़ेगा सपा की तरफ से, मतलब अलग से आपने पार्टी बनाई? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जान के उसमें है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन हमारी पार्टी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, भाजपा सपा किसी से कोई भी प्रकार का वो नहीं पड़ रहा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग थे और इन्होंने भी ग्राउंड पे अब उतरना शुरू कर दिया है, मैदान में आ गए। और देखना होगा कि जो तमाम सारी पार्टियां हैं, अब खास तौर पर सबसे बड़ी बात होती है बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और अब यहाँ पर मेहनत हर पार्टी कर रही है। देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना रंग जमा पाती है। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।